क्या आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं? कहीं इधर बाल, कहीं उधर बाल, दिन भर उसका स्ट्रेस हो रहा है? तो इस वीडियो में जानते हैं क्या 9 मुख्य कारण हैं हेयर लॉस के। Welcome to Dr. Suruchi Puri's YouTube channel. तो पहला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या पैटर्न बॉल्डनेस। ये हार्मोनल, जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल मीडिएटेड होता है, लड़के लड़की दोनों में हो सकता है। दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOD इन फीमेल्स, दैट कैन लीड टू मोर एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स मतलब ज़्यादा मेल टाइप ऑफ हार्मोन्स लड़कियों में बनते हैं, जिससे बाल पतले होने लगते हैं और फिर गिर जाते हैं। तीसरा, स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से आपका टीलोजन फेज में बाल जल्दी जाने लगता है। एनाजन यानी ग्रोथ फेज छोटा और टीलोजन मतलब गिरने वाला फेज लंबा हो जाता है और बाल झड़ता चला जाता है। तो स्ट्रेस ना लें। और चौथा, डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन इम्पॉर्टेंट विटामिंस एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। एक ह्यूमन बॉडी बाल को अच्छा, बाल क्योंकि केराटिन से बनता है, तो केराटिन के लिए तो प्रोटीन चाहिए, तो जितना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखेंगे उतना ही बाल अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स। हमने बहुत सारे स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल ट्रीटमेंट्स कराए हैं, तो उनके यूजेज से और रिकरेंट यूजेज से हेयर के बॉन्ड्स टूटते हैं और हेयर फॉल होने लगता है। नेक्स्ट, डैंड्रफ, सीवियर सेबोरिक डर्मेटाइटिस, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, तो मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो पौधा अच्छा नहीं उगेगा, तो इचिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी और हेयर फॉल होगा। देन नेक्स्ट, हार्ड वाटर। अगर हार्ड वाटर में हैवी मिनरल्स हैं जिसकी वजह से वो डिपॉजिट हो जाते हैं आपके शाफ्ट में और बाल प्रीमेच्योरली टूटने लगता है, ब्रिटल हो जाता है। और अगर ऑलरेडी थिनिंग है तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। देन आपका इन्फेक्शंस, जैसे सीवियर इन्फेक्शंस, कोविड या डेंगी या टाइफाइड या कोई भी लंबा बुखार चला हो, उसके 2 से 3 महीने बाद आपको सीवियर हेयर फॉल हो सकता है। और नौवा कॉज इन अ फीमेल इज मेनोपॉज एंड पोस्ट डिलीवरी हेयर लॉस। जब आपके हार्मोन सडनली डिप होते हैं, आपका ईस्ट्रोजन जो आपके बालों को सपोर्ट कर रहा था अब वो नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से आपको एक्सेसिव हेयर फॉल हो सकता है। सो आई होप आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ दी कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ हेयर लॉस। और स्ट्रेस से बचें, अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, जल्दी सोएं, और हेयर लॉस शुरू होते ही डॉक्टर को ज़रूर मिलें, क्योंकि बाद में यही बाल आपकी रातों की नींद उड़ा देगा अगर चला गया तो। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू।